मतलब मैं स्टार्टिंग से ही हरिद्वार में ही रही हूँ। अपने गांव में रह के मैं पढ़ाई नहीं कर पाई क्योंकि गांव में इतनी स्टडी नहीं थी, कुछ नहीं था, और इतना मेरे पापा के पास इतना पैसा भी नहीं था जो मतलब वो हमें पढ़ा पाते। धूप की निगाह पड़े, चांद भी सोने न दे, रात दिन छोड़े हुए आशाएं। 8th क्लास जब मैंने कंप्लीट की थी तो उसके बाद से मेरी शादी की बात मतलब स्टार्ट हो गई थी। आस पड़ोस के लोग सामने बैठ के आके बोलते थे कि नहीं लड़की को मत पढ़ा, लड़की का काम क्या होता है, उसकी शादी कर दो। तो लेकिन मेरे ताऊ जी और मेरे पापा ने पूरा सपोर्ट दिया कि नहीं हम इसको स्टडी कराएंगे, आप बहुत छोटी सोच में जी रहे हो, आज के टाइम में लड़कियां इतनी आगे बढ़ चुकी हैं तो हमें इसको कुछ कराना चाहिए, उसका फ्यूचर बनाना चाहिए। मैंने हीरो के लिए अप्लाई किया था, जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो जब मैंने अपने पापा को बताया, मेरे पापा बहुत ज़्यादा खुश हुए कि मतलब मेरे भाई को फील हुआ कि जो काम मैं नहीं कर सका वो काम मेरी बहन ने कर दिया सिर्फ इस 3 महीने की जॉब के अंदर अंदर। कोई सपना कभी रुकने ना पाए।